कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और सांबा से एक और खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग सांबा सब डिवीजन के AWE कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं और सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि AWE को माइल्ड फीवर था और आज उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया तो वो कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं और अब जल शक्ति विभाग सांबा सब डिवीजन का जो दफ्तर है उसे एहतियातन तौर पर पब्लिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर अब फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी और उसके बाद ही इस दफ्तर को पब्लिक के लिए खोला जाएगा और उसी के साथ साथ AWE के कांटेक्ट में जो लोग भी आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी और उनकी सैंपलिंग भी ली जाएगी और उसी के साथ साथ AWE के परिवार वालों की भी सैंपलिंग ली जाएगी और इस जल शक्ति विभाग सांबा सब डिवीजन के दफ्तर में जो भी यहां पर इंप्लॉयज हैं उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी ताकि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन जिस तरह से इस दफ्तर को एहतियातन तौर पर बंद किया गया है तो हमारी सांबा के लोगों से भी अपील है कि अब इस दफ्तर में कुछ दिनों तक ना जाएं क्योंकि लगातार ये जो वायरस है ये तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसा ना हो कि आप लोग भी यहां किसी एम्प्लॉय से मिले तो आप भी संक्रमित हो जाएं, इसलिए कुछ दिनों तक आप इस दफ्तर में ना जाएं तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। तो जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अगर प्रशासन के अधिकारियों की भी बात करें तो अब अधिकारी भी लगातार कोविड 19 से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो ये भी बड़ी खबर है जिला सांबा के जल शक्ति विभाग सांबा सब डिवीजन के AWE कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।